बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए हक्का नूडल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्पाइसी एंड टेस्टी नूडल्स बनाएंगे हम। इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें मैंने दो से तीन लहसुन के जवे लिए थे, जिसे मैंने छोटा छोटा सा काट लिया था। ऐड करेंगे और इसे 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। देखें, ये लाइट फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन ली है मैंने 100 ग्राम, जिसे मैंने लंबाई में काट लिया था। चिकन को हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम कुछ अपनी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। 1 कप मैंने शिमला मिर्च ली है, इसे मैंने लंबाई में काट लिया है। 1 कप गाजर ली है, इसे भी मैंने लंबाई में काट लिया था। 1 कप मैंने बंद गोभी ली है। अब इसे हम मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुका है। इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट, जीरा पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका। फिर से मिक्स करेंगे। इसे हम 2 मिनट तक कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पर। 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें नूडल्स ऐड करूंगी मैं। मैंने नूडल्स को पहले से बॉईल कर लिया था। मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून सिरका ऐड करेंगे। और यह 1/2 कप मैंने हरी प्याज ली थी, जिसे मैंने छोटा छोटा काट लिया था। अब नूडल्स को वेजेस में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। हक्का नूडल्स हमारे तैयार हैं। अब इसे हम डिश आउट करेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हक्का नूडल्स हमारे तैयार हैं। बहुत ही जल्दी बन जाने वाले नूडल्स हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपनी फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एंड ईजी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।